नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे जो हमने पिछला एनालिसिस किया था कैसा टर्नआउट हुआ है, बात करेंगे आगे मार्केट किस तरह का हो सकता है। तो दोस्तों, पिछला हमने जब फ्राइडे एनालिसिस किया था, हमने ये कहा था, फ्राइडे थर्सडे जो हमने एनालिसिस किया था, हमने कहा था कि बस मार्केट जो है वो 18,000 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, 18,000 के एकदम पास में है और वहां पर हमें बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, वेट एंड वॉच। जब तक हमें एक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है, तब तक हम ट्रेड मार्केट में करना अवॉइड करेंगे। ये हमने हमारा पिछला एनालिसिस किया था। सिंपल सा एनालिसिस था कि बस मार्केट 18,000 के पास जा रहा है, हमें नहीं पता वहां पर मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, तो हम अवॉइड करेंगे मार्केट में ट्रेड करना। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं हमारा फ्राइडे का मार्केट, जो कि आपने पता ही होगा आपको कैसा रहा मार्केट, तो 18,000 को टच करते करते मार्केट में फिर नीचे सेलिंग आना मार्केट में शुरू हुआ और फिर मार्केट में सेलिंग काफी एग्रेसिव आपको सेलिंग देखने को मिला। और आपने ये जिस तरह का सेलिंग देखा है, ये जो सेलिंग हुआ है ना, ये मार्केट में एक एक्चुअल सेलिंग है। एक्चुअल सेलिंग से मेरा मतलब इस तरह से है कि आप पिछले वक्त में जब भी एक रिट्रेसमेंट देखेंगे, जैसे ये एक सेलिंग हुआ था मार्केट में, राइट, परंतु एंड में जाते जाते मार्केट में तुरंत एक बाइंग आ गया, फिर मार्केट अपसाइड पर मूव करने लगा। ठीक है, बाकी ये जब आप सेलिंग देखेंगे ना, ये इतनी स्ट्रांग सेलिंग नहीं है। सेलिंग जो होती है ना, बहुत तेजी से होता है और जिस तरह का सेलिंग आपने इस दिन देखा कि आप ये सोचते रह जाएंगे कि बॉस यहां से मार्केट रिवर्ट होगा और कितना सेल होगा, और मार्केट और तेजी से गिर रहा है उस वक्त पे भी। ठीक है, तो ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये एक एक्चुअल सेलिंग, रियल सेलिंग के करेक्टरिस्टिक्स है, जैसा कि यहां पर भी आपको देखने को मिला, परंतु मार्केट एंड में रिवर्स हो गया फिर से। ठीक है, तो एक्चुअल सेलिंग में आपको यही दिखेगा। 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा धाए धाए धाए, मार्केट बड़े बड़े मोमेंटम छोटे छोटे वक्त में कर जाता है। ये होता है साइन एक एक्चुअल सेलिंग का मार्केट में। अब बात करते हैं मार्केट आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले वीक में मार्केट किस तरह का हो सकता है। तो वीकेंड एनालिसिस है, यूजुअल हम अपना जो वीकली सत्संग है वो करते हैं। ठीक है, तो देखिए वीकली चार्ट अगर मैं देखूंगा तो वीकली चार्ट पर एक इन्वर्टेड हैमर यहां पर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है थोड़ा से, बिल्कुल ये नेगेटिव साइन है, पहला मार्केट में एक नेगेटिव साइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस नेगेटिव साइन से मुझे ट्रेडिंग में किस तरह से हेल्प होगा, मुझे किस तरह से मार्केट में ट्रेड करना है वो हम देखते हैं चल के। ठीक है, अब देखिए यहां से जब जब अब एक तो बात, ये एक कंक्लूजन यहां से ये निकल सकता है कि बॉस मार्केट में जो ब्रेकआउट हुआ था ये क्या, ये फेल हो चुका है ब्रेकआउट, अब यहां से मार्केट और तेजी से नीचे गिर सकता है। ठीक है, अब हमें नहीं पता बॉस ये मार्केट कहां तक जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मार्केट को फॉलो करते चलेंगे। ठीक है, मार्केट जहां जहां तक जा रहा है, जहां जहां पर जैसे ऐसे मोमेंटम हो रहा है, हम उसको मार्केट को फॉलो करते चलेंगे, लेवल टू लेवल मार्केट को प्ले करते चलेंगे, आगे से आगे हमें चांसेस मिलते रहेंगे मार्केट में ट्रेड लेने के। सिंपल सा अगर आप जैसे निफ्टी की अगर बात करूं, तो निफ्टी अभी देखिए, अभी कंक्लूजन बनाना तो बहुत बेसलेस होगा कि मैं आपसे ये कह दूं कि नहीं देखिए मार्केट ये हो गया ना, अब यहां से यहां तक आ जाएगा मार्केट। ठीक है, या फिर मैं ये कह दूं कि नहीं नहीं मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा। तो ये जो कंक्लूजन है, ये जो प्रेडिक्शन है, ये बनाना अभी बेसलेस है। हमें इतना पता है कि आगे आने वाले इस आने वाले वीक के लिए मुझे एक अच्छा मार्केट ने रिवर्सल दिखाई दिया है यहाँ पर। अब ये रिवर्सल इस चैनल के बॉटम तक हो सकता है, इस चैनल के मिडिल तक हो सकता है, या फिर ये इस पर्टिकुलर जगह से हो सकता है जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ये तीनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं, राइट। मार्केट पहला तो पूरा नीचे चैनल तक आ सकता है, ठीक है, दूसरा मिडिल ऑफ चैनल तक आ सकता है, ठीक है, तीसरा मार्केट ने ये जो ब्रेकआउट दिया था, ये इस तरह का जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, ये फिर से इसको टेस्ट करने के लिए यहां तक आ सकता है, यहां से फिर से अपसाइड पर मूव कर सकता है। ठीक है, तीनों ही पॉसिबिलिटीज मार्केट में हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक चीज प्रिडिक्ट कर दीजिए उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए, तो वो एक सेंसलेस ट्रेड होगा जो हम अब कभी यहां पर करते भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे यहां पर पता चल रहा है कि मार्केट के बहुत अच्छे चांसेस हैं कि मार्केट फिर से इस चैनल में एंटर हो सकता है। ठीक है, ये जो चैनल हमने बनाया है, इस चैनल मार्केट फिर से एंटर हो सकता है। उसके बाद हम मार्केट में देखेंगे किस तरह का मार्केट मोमेंटम बिल्डअप कर रहा है आगे आने वाले समय में। ठीक है, तो ये तो बात रही निफ्टी की, हमें निफ्टी में भी एक बेरिश सॉरी इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें और पॉसिबिलिटी मार्केट में और मोमेंटम नीचे साइड पर देखने को मिल सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में भी इन्वर्टेड हैमर, एक नेगेटिव इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं ये बाकी सब लाइन्स मार्केट से हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहां पर भी हमें इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा है, यहां से मार्केट कितना नीचे आ सकता है, कहां तक जा सकता है, कोई आइडिया नहीं, राइट। पहला तो हमें यह हो जाएगा कि बस यहां पर हमें एक अच्छा नेगेटिव साइन दिखाई दिया है, तो सबसे पहले हम मार्केट में सेल करने का सोचेंगे। सेल करने के लिए हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट होगा बाय करना, हमें यहां पर अवॉइड करना पड़ेगा। अगर हमें किसी भी तरह का बाय सिग्नल यहाँ पर मिल रहा है, तो हम वहां पर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे मार्केट में, सेल कहां पर हमें करना है, कैसे करना है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों हमें नेगेटिव साइन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम डेली कैंडल
डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पर, ठीक है, डेली कैंडल पे हम बढ़ते हैं, डेली चार्ट पर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां से देखिए कि सबसे पहला हमें यहाँ पर सेलिंग मार्केट में तब करनी है अब जब मार्केट 17,700 का मार्केट अगर लेवल क्रॉस करता है फिर से, तब हम मार्केट में एक फ्रेश सेल मार्केट में बना सकते हैं। तो अगर आपने मान लीजिए कि कल के दिन या फ्राइडे के दिन आपने किसी भी तरह का शॉर्ट मार्केट में बनाया है, सेलिंग पोजीशन मार्केट में बनाई है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उसे कैरी रखिए, कैरी करके रखिए। और मान लीजिए अगर आपने नहीं बनाया है और मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है किसी भी सिनेरियो में, मार्केट अगर गैप डाउन मार्केट अगर ओपन होता है तो थोड़ा सा वहां पर आप रुकिए, समझिए कि मार्केट कहां पर ओपन हो रहा है, उसके बाद मार्केट में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं 15 मिनट चार्ट या 1 आवर चार्ट पर मार्केट में चला जाता हूं। तो यहां पर अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन अगर ओपन होता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे मार्केट क्या रिवर्स हो रहा है अपसाइड पर या फिर कंटिन्यू हो रहा है नीचे, ठीक है। मार्केट अगर रिवर्स हो रहा है तो यहां पर आप क्लोजिंग प्राइस के नजदीक यानी 17,700 के आसपास देखेंगे कि यहां पर क्या मार्केट फिर से रिजेक्शन ले रहा है क्या, फिर वहां से रिजेक्शन में हम फिर से सेल प्लान करेंगे, ठीक है। या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर देता है, यहां पर भी आप सेल कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के मार्केट में ट्रेड करना है, ठीक है। और बेसिकली बात इतनी सी है कि यहां पर आपने अभी बाय किसी भी तरह का मार्केट में नहीं करना है, ठीक है। मार्केट में बाय तभी करना है जब आपको बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे आपको एक बुलिश प्राइस एक्शन मार्केट बना के देता है तो ही आपने बाय करना है। और देखिए मैंने आपसे उस दिन भी ये चीज कही थी कि मार्केट आपको बहुत इनफ सिग्नल देगा कि जब मार्केट नीचे मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो मैंने ये देखिए यहाँ पर मार्केट जैसे ही ये स्विंग मार्केट ने तोड़ा तो यहीं पर आपको पता लगना चाहिए था कि हाँ बॉस अब मार्केट में बेरिशनेस आ चुका है। सबसे पहला 18,000 पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया और दूसरा यहाँ पर जो बेरिश प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया, यहाँ पर हमें समझ में आ जाना चाहिए था कि हाँ अब यहाँ पर थोड़ा सा बेरिशनेस बनता हुआ मार्केट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में भी मेरे मेरे हिसाब से वही करना है आपने कि बॉस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है अपसाइड पे मूव करता है तो यहीं पर रिजेक्शन के साइन देखिए फिर सेल करिए, नहीं तो अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है नीचे साइड जाता है, ठीक है, प्राइस एक्शन बना रहा है तो फिर आप वहां पर सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है तो 38,900 के नीचे आप सेल करेंगे, ठीक है, निफ्टी में 17,700 के नीचे आप मार्केट में सेल प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक हो गया, ठीक है। तो किसी भी तरह के यहाँ पर प्रेडिक्शन में मत जाइए अभी के लिए कि बॉस मार्केट यहाँ तक चला जाएगा, नहीं नहीं मार्केट यहाँ तक चला जाएगा, नहीं मार्केट ये हो जाएगा, नीचे घुस जाएगा 14,000 15,000, ऐसा कुछ भी प्रेडिक्शन के फेज में मत पड़िए आप। क्योंकि देखिए उस अगर उस जगह पे आप जाएंगे, मैं अब आपको बताता हूँ कि इस चीज का नुकसान क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मैं जो कह रहा हूँ उसका नुकसान क्या है। देखिए अगर मान लीजिए कि मार्केट में आपने प्रिडिक्ट करा कि मार्केट यार एटलीस्ट इस चैनल के बॉटम तक आना चाहिए, ठीक है, यहां तक इस चैनल के बॉटम तक मार्केट को आना चाहिए, तो अगर मार्केट आपको इन बिटवीन कहीं बीच में अगर आपको रिवर्सल के साइन दिखा रहा है तो ये साइंस को आप स्वीकार नहीं करेंगे, इस साइन को आप अनदेखा कर देंगे, क्योंकि आपने तो एक परसेप्शन मार्केट में बना रखा है कि नहीं यार मार्केट को यहां तक आना ही चाहिए। तो बीच में अगर आपको कहीं पे भी बुलिश साइन मार्केट दिखाता है तो आप उस चीज को नजरअंदाज कर देंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं मार्केट को और नीचे आना चाहिए और नीचे आना चाहिए, और आप यहाँ पे फिर सेल पे सेल करते जाएंगे और आपके आपके हाथ से जो फिर से मार्केट में एक रैली आएगी वो मिस हो जाएगी, ठीक है। तो लेवल टू लेवल मार्केट प्ले करते चले, या फिर मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर सोच रखा है कि बस वहां से मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा तो मार्केट अगर फर्दर फॉल होता जा रहा है तो आपके लिए फिर से नुकसानदायक है ये चीज, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ओपन इंटरेस्ट हम लोग देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट 17,900 और 18,000 पर बहुत स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट मार्केट में खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने कॉल सेल करने हैं तो 17,900 और 18,000 के आप कॉल्स मार्केट में सेल कर सकते हैं बिंदास, ठीक। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो 39,500 के ऊपर के लेवल मार्केट में एक अच्छे रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपने कॉल सेल करना है बैंक निफ्टी में तो 39,500 के यहाँ पर कॉल सेल किए जा सकते हैं। एफआई डेटा ऑब्वियसली बहुत बेरिश है, ठीक है, यहाँ पर कॉल्स सेल करे गए हैं और पुट्स बाय करे गए हैं, ठीक है, जैसे कि 66,000 कॉल्स जो 67,000 कॉल्स यहाँ पर सेल करे गए हैं और 44,000 पुट्स यहाँ पर बाय करे गए हैं, इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग हुआ है, तो ओवरऑल ये भी डेटा आपको बेरिश इंडिकेशन ही दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल से बात है कि चार्ट्स आपको बता रहे हैं कि बॉस मार्केट बेरिश है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट आपको बता रहा है मार्केट बेरिश है, ऑप्शन सॉरी एफआईआई डेटा आपको बता रहा है कि मार्केट बेरिश है, तो मार्केट में एक बहुत बड़ा सेलिंग मूव आया है, ठीक है, जिसने 3-4 दिन के पिछले गेंस को एंगल्फ कर लिया है, ठीक है। तो मार्केट अभी बेरिश दिखाई दे रहा है, मार्केट में भी किसी तरह का बाय मत करिए जब तक कि आपको एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी हमेशा यही रहती है कि हम जब मार्केट नीचे गिरता है तो सोचते हैं कि बाय कब करना है, जब मार्केट ऊपर बढ़ता है तो हम सोचते हैं सेल कब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉल सेल किए जा सकते हैं, अभी कॉल सेल कौन से सेफर लेवल्स के कॉल सेल किए जा सकते हैं, 17,700 के, 17,700 नहीं 17,000
900 के कॉल सेल किए जा सकते हैं, 39,500 के कॉल सेल यहाँ पर किए जा सकते हैं। ठीक है, सेल आपको तभी करना है नेक्स्ट इंट्राडे में जब मार्केट 17,700 या 38,900 की बजाय मैं इसको 800 कर देता हूँ, 38,800 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप यहाँ पर फर्दर मार्केट में एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, पोजीशन के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि कॉल्स आपने सेल करे हुए हैं तो उनको सेल करिए, और अगर कोई कॉल पहले से सेल किया हुआ है तो उनको होल्ड करिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, तो वीकली में सिंपली मेरा व्यू यही है कि अभी आप प्रेडिक्ट करने के चक्कर में मत जाइए कि मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। चांसेस तो मुझे ये बहुत ज्यादा लगते हैं कि मार्केट पहले तो इस चैनल में एंटर हो जाएगा, खासकर निफ्टी की अगर बात करूँ, चैनल में एंटर होने के बाद फिर एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। दैट्स मेरा ये मेरा प्रेजम्पशन है मार्केट के लिए। ठीक है, बाकी हम आगे आगे आने वाले समय में मार्केट में डिस्कस करेंगे। अगर पहला तो मार्केट पहले अगर इस चैनल में एंटर हो जाता है तो फिर से थोड़ा सा और आपको डाउनफॉल और मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और बैंक निफ्टी अगर आप बात करेंगे तो बैंक निफ्टी हालांकि चैनल से बहुत दूर है, तो यहाँ पर पहला तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो ये जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ तक, पहला तो मुझे लगता है मार्केट यहाँ तक आ सकता है मे बी। ठीक है, और देखिए ये सब जो है ये हमने एनालिसिस मार्केट में किया है। ठीक है, मार्केट में एक एनालिसिस प्रेजेंट किया है मार्केट को कि बॉस ये मुझे लगता है कि आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। अभी मार्केट के हाथ में है कि आपका एनालिसिस कितना सही करता है कितना गलत करता है, ये सब मार्केट के हाथ में दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से एक तो बेसिक हमें फंडा यहाँ पर समझ में आ गया है कि जो हम इतने समय से रिट्रेसमेंट मार्केट में मांग रहे थे वो मार्केट अब हमें देने जा रहा है, तो उसका थोड़ा सा लाभ उठाएंगे हम लोग और मार्केट में सेल साइड के पोजिशन में ही मार्केट में ट्रेड करेंगे, अनलेस हमें एक वीकली टाइम फ्रेम पर एक अच्छा इस तरह का पैटर्न मार्केट में दिखाई देता है कि मार्केट नीचे आया और फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कहीं किन्हीं भी किसी भी लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, वहां पर हम मार्केट में एक नए फ्रेश पोजिशन को बिल्डअप करने की सोचेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मार्केट में किसी भी तरह का बाय आपने नहीं करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी तरह का बाय आपने मार्केट में नहीं करना है। तो दोस्तों बात अगर करते हैं यूएसडी आईएनआर की, तो यहाँ पर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर पहले हमने यहाँ पर ये जब कैंडल यहाँ पर बना था तो हमने कहा था अगर मार्केट नीचे साइड पर फॉल होता है, ये ट्रेंड लाइन क्या जो हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी यहाँ पर करीब, ठीक है, ये इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये ट्रेंड लाइन से नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम मार्केट में सेल करने के लिए ट्राई करेंगे, कॉल सेल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि अब मार्केट बहुत बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से जो पिछले बार जो हमें सेलिंग यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली थी, पहला मार्केट में एक सेलिंग आया अराउंड 80 के लेवल के आसपास, फिर से मार्केट ऊपर गया इसको टच करने के लिए, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेलर्स की जो पकड़ है मार्केट के प्रति वो कमजोर होती जा रही है। ठीक है, ये कमजोर होती जा रही है बार बार, अब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है जहां से पिछली बार मार्केट में सेलिंग आई थी। तो यहाँ पर एक मजबूत मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 79.75, 79.5, 79.25 इन लेवल्स के आप पुट सेल किए जा सकते हैं। इन्हें एक बार फ्यूचर्स चार्ट पर फिर से आप देख लीजिएगा वहां पर किस तरह का लेवल मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां से आपको एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे जाएगी। मैं स्पॉट जो स्पॉट चार्ट है उसके हिसाब से आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर हमें पुट सेल करने के लिए अभी सोचना चाहिए और आगे हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह का मोमेंटम मिलता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मार्केट 80 का लेवल क्रॉस कर जाएगा, बिकॉज पिछली बार मार्केट ने ट्राई किया फिर नीचे आ गया, फिर ट्राई किया फिर और एग्रेसिव सेल देखने को मिला, फिर वापस ऊपर गया, तो ये जो है फिर से अभी तीसरी चौथी बार ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर आप इस बार मुझे लगता नहीं यहाँ से सेल का मोमेंटम दिखाई देगा, यहाँ पर मुझे लगता है इस बार मार्केट इसको पार कर लेगा, तो हम इसको देखेंगे और नोटिस करेंगे आगे आगे आने समय में किस तरह से मार्केट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी डॉलर का एनालिसिस, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, सेंसिबल के हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमेशा की तरह जब कैपिटल आपका है सोच समझ के आपको ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है। सो हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल। बाय बाय।